तो ये है डिफॉर्मिटी. सो दिस इज वेरी सिवियर वायरस डिफॉर्मिटी. पैर टेढ़े हैं ऐसे. तो पेशेंट का जब एंगल चेंज होता है तो उसके साथ साथ एंकल का भी एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि पैर वापस ऐसे आ जाता है. तो पेशेंट को धीरे धीरे इधर भी पेन शुरू हो जाता है, और जितना एंगल बढ़ता जाएगा पेशेंट को यहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो दिस इज टिपिकल वायरस डिफॉर्मिटी. और इससे चाल बीच बिल्कुल चेंज हो जाती है पेशेंट की. पेशेंट राइट लेफ्ट करके चलता है. नूरजहाँ जी चलिए, एक बार चलिए. आइए वापस आइए. चल. तो पेशेंट को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी है, वायरस डिफॉर्मिटी भी है. आइए. तो पैर दोनों ही प्लेन्स में मुड़े हुए हैं, सामने की तरफ भी. सीढ़ी वीढ़ी चढ़ लेते हैं, वही तो देखना है मुझे. कितने आओ. चलिए कोशिश करेंगे सीढ़ी चढ़ने की. साइड में पकड़ के उसको चलिए. आप हाँ मुड़ नहीं रहा ना, इसलिए दिक्कत आ रही है. हाँ जी इसको पकड़ के चढ़िएगा. कितनी उम्र है नूरजहाँ जी की? 55 साल. तो 55 इज़ नॉट दैट ओल्ड, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से शी इज़ टोटली डिसेबल्ड. और ये कितने साल से ऐसे चल रहा है? 4-5 साल. आ जाइए, आइए वापस आ जाइए. यू कैन सी हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द पेशेंट टू टेक ए सिंगल स्टेप. तो पहले भी तो किसी ने सर्जरी के लिए बताया होगा? नहीं, पहले कहीं भी दिखाया तो क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई? आपने मना किया क्यों? अच्छा अच्छा आई जी 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 जी. सो पेशेंट्स आर नाउ वेरी अवेयर एंड दे नो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक. तो इसलिए पेशेंट MIS टेक्निक के लिए ही अब पेशेंट आते हैं. दवाई रोज खाते हो? हाँ. चलिए आइए. लेट जाइए आराम से. तो अब हम ये चेक करेंगे कि पैर कितने, इधर आइए किनारे पे आइए, कि पैर कितने टेढ़े हैं. और हम बाद में भी चेक करेंगे कि सीधे हुए कि नहीं हुए, ठीक है? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, ऐसे हम मार्किंग करेंगे. ये है हमारा सेंटर ऑफ द नी, ये है सेंटर ऑफ द एंकल, ये है नी का सेंटर, और ये है आपके एंकल का सेंटर, ठीक है? हमारा जो टांग होती है उसमें तीन जॉइंट होते हैं, एक हिप जॉइंट होता है, एक नी जॉइंट, एक एंकल जॉइंट. नॉर्मल इंसान को चलने के लिए ये तीनों जॉइंट एक लाइन में चाहिए, तभी पूरा वजन उस पर आ पाता है. तो अब हम कनेक्ट करेंगे तीनों पॉइंट्स को, ठीक है? तो एंकल से लेकर अब हम कनेक्ट करेंगे ये इनका हिप जॉइंट है. तो ये देखिए ये पॉइंट बाहर की तरफ है, क्यों? क्योंकि टांग टेढ़ी है. जब सीधी करेंगे तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे. इधर करिए, ये हिप जॉइंट है, ये देखिए कितना बाहर है. क्यों? क्योंकि पैर ऐसे घूम गया, कर्व हो गया. तो जब हम सर्जरी के बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे. तो इसी को डिफॉर्मिटी करेक्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं वायरस डिफॉर्मिटी. जब पैर बाहर की तरफ घूमता है, जब पैर ऐसे अंदर की तरफ घूम जाता है तो उसको वेलगस डिफॉर्मिटी कहते हैं. तो हमें ये डिफॉर्मिटी भी करेक्ट करनी है, और जो चलते हुए तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, उसको भी ठीक करना है. और ये सिर्फ घुटने के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहे, जब चलो फिरोगे ना, एक तो दर्द की गोलियों से छुटकारा मिलेगा, थोड़ा घूमो फिरोगे वज़न भी कम हो जाएगा, और फिर कहीं आना जाना मिलना जुलना है वो भी शुरू हो जाएगा. अभी तो घर में ही रहते हो लगता है ना. तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं. तो ये पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ घुटना ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पेशेंट ना सोशली भी कट ऑफ हो जाता है, कहीं आना जाना हो तो कोशिश ये रहती है कि घर पे रहती हूँ मैं, तो क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी. ठीक है, ठीक है जी.
नूरजहां का सर्जरी से पहले का एक्सरे है, तो इसमें आप देखेंगे दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो नॉर्मली जो स्पेस होना चाहिए वो मीडियल साइड में, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स कि बोन आपस में टच कर रही है। उसका कारण ये है कि इधर कार्टिलेज इंटैक्ट है और इधर कार्टिलेज पूरा खराब हो गया है। कार्टिलेज वो लेयर है जो दोनों बोन्स को सेपरेट करती है, यानी कि दोनों बोन्स के बीच में लुब्रिकेशन का काम करती है। तो जैसे ही वो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, कार्टिलेज लेयर खत्म हो जाती है, तो बोन आपस में टच करती है और यहीं से पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपके घुटने में अंदर की तरफ पहले दर्द होता है, ये जो अंदर वाला एरिया है इधर दर्द होता है। इसका दूसरा रिजल्ट ये होता है कि जब ये स्पेस खत्म हो जाता है और ये मेंटेन रहता है, तो आपकी टांग इस तरह से टेढ़ी हो जाती है अंदर की तरफ, यानी कि सीधा होने की बजाय ये एंगल आ जाता है और आपका पैर अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ये फीमर इधर जा रही है लेकिन टिबिया इधर जा रही है, तो एक तरह से इतना एंगल बन गया और इसी को हम बो लेग्स कहते हैं। तो इससे चलने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है और कुछ पेशेंट जो बहुत लेट आते हैं उनको यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल पर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये भी हमें देखना जरूरी है इन पेशेंट में कि जब डिफॉर्मिटी ज़्यादा सीवियर है तो उनको साथ साथ फ्रैक्चर तो नहीं है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। ये हमारा फिमोरल इम्प्लांट है, ये टिबियल इम्प्लांट है और बीच में अब आप स्पेस देख सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वल स्पेस है। तो इस सर्जरी का पर्पज़ यही होता है कि हमें अलाइनमेंट ठीक करना है, दोनों तरफ का स्पेस इक्वल करना है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो फीमर और टिबिया है अब वो एक नॉर्मल लाइन में आ गए, रादर टिबिया थोड़ी सी बाहर की तरफ आ गई है, जो कि एक नॉर्मल एंगल है। 5 to 7 degree टिबिया फीमर से बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ये फीमर है और टिबिया थोड़ी सी बाहर है। पहले उल्टा था, पहले फीमर टिबिया अंदर की तरफ जा रही थी, तो जो पहले बो लेग्स हो गई थी अब वो नॉर्मल अलाइनमेंट आ गई है। अब इनका जब हम पिक्चर भी देखेंगे बाद में, तो आप देखेंगे कि इनके नी अब पास आ गए हैं, पहले नी के बीच में काफ़ी गैप था। तो ये बेसिकली जो कहते हैं घुटना चेंज होता है, घुटना चेंज नहीं है, ये बेसिकली आपका जो फीमर का डैमेज्ड पार्ट है, सिर्फ उसके ऊपर एक हमने सेरेमिक की लेयर लगाई है, इसी तरह नीचे भी एक इम्प्लांट लग गया है और बीच में पोली है जो गैप का काम करता है। तो नाउ इट इज़ ए वेल बैलेंस्ड प्रॉपरली फिक्स्ड इम्प्लांट और अब पेशेंट आप देखेंगे वीडियो में कि कितने कम्फर्टेबली चल पा रहे हैं और सारा काम कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चलने का तरीका, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी, पेशेंट का सब कुछ चेंज हो जाता है। तो नूरजहां से आप सीख सकते हैं कि हमें पेनफुल ज़िंदगी नहीं जीनी है। जब से रोबोटिक टेक्निक से हम सर्जरी करने लगे हैं, रिजल्ट्स और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए हैं। तो मैसेजेस कि हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब नहीं करना है, एक अच्छी और पेन फ्री ज़िंदगी जीनी है।